आप जो देख रहे हैं ये है मेरा डिस्पैच डिपार्टमेंट, और डिस्पैच डिपार्टमेंट का ये सेक्शन है ये व्हेन क्यूरियस क्राइम, ये बुक। और ख़ास तौर पे 28 सितंबर भगत सिंह जयंती वाले दिन जो हमारा बुक रिलीज़ हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो लोग इस बुक रिलीज़ के दौरान 12 से 2 बजे के बीच में अपना एड्रेस भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो उनको किताबें, ये किताब फिजिकल फॉर्म में कुरियर से जाएगा। तो लगभग लिटिल लेस देन 1000 पीपल जो जिन्होंने उसी 2 घंटे के ब्रैकेट में अपना नाम वगैरह भर के दिया, तो उनको डिस्पैच होना शुरू हो गया और डिस्पैच अभी भी जा रहे हैं और पैकिंग हो रही है साथ में। ये जो देख रहा हूँ मैं बलदेव सिंह, ये दिल्ली के ही हैं, और अगर देखें हम ये उड़ीसा के हैं भारत चंद्र मेहर, राइट। और इस तरह से अगर हम देखें ये अंशुल श्रीवास्तव है, ये उत्तर प्रदेश बनारस के हैं। लगभग लगभग हमने देखा कि पूरे भारत से लोगों ने ज्वाइन किया, लगभग लिटिल लेस देन 1000 पीपल जिनको हम ये किताबें भेज रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, फ्री में किताबें भेज रहे हैं। लेकिन जो लोग उस 2 घंटे के बीच में नहीं कर पाए, तो उनके लिए हमने ई बुक का लिंक भी दिया था। ई बुक का जो लिंक है www.biswaroop.com/cure-crime, तो ई बुक तो आप कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। ऑल दो दिस बुक इज अवेलेबल इन amazon.com ऑल्सो, लेकिन जिनको फ्री में चाहिए वो पहले लिटिल लेस देन 1000 लोग हैं जो कि दोज हु आर गेटिंग फ्री बिकॉज उन्होंने प्रॉम्प्टली ये काम किया। बाकी लोग ई बुक देख सकते हैं। एक चीज़ है कि इसके साथ एक पेन भी है, दिस इज कॉल्ड सर्केडियन पेन। ये पेन आपको ई बुक के फॉर्म में नहीं मिल पाएगा, तो फिजिकल फॉर्म में भी भेज पाएंगे। हमारे बस चलता तो हम सबको ही फ्री में देते। एक बात बताता हूँ कि वी आर नॉट एन NGO, राइट, बट हम चाहते हैं कि आप तक ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पहुँचे, खास तौर पे किडनी की नॉलेज, कि बहुत मुश्किल दिखने वाली किडनी की बीमारी बड़े आसानी से ठीक हो सकती है। और कई लोग तो इतना हैरान होते हैं इतना आसानी से कैसे ठीक हो सकती है, तो उनको विश्वास नहीं होता। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खासतौर पर जो डायलिसिस के सेंटर जो चलाते हैं या ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल जो चलाते हैं या दवाइयों की दुकान चलाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर लोग इतनी आसानी से ठीक हो सकते हैं तो फिर उनका क्या होगा। तो चाहे आप उनमें से हैं या चाहे आपको लगता है कि कैन द टेक्निक बी सो सिंपल दैट यू कैन बी क्योर जस्ट बाई हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल्ट, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में ऐसा क्या है और कैसे एक सिंपल मेथड भी बहुत बड़ा दिखने वाले खास तौर पे क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हो सकता है। और वो पूरा मेथड, जो लोग ठीक हुए हैं उनके डेटा, उनके मेडिकल रिपोर्ट, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट, चाहे वो DTP स्कैन हो, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट्स हो, चाहे उनके हॉस्पिटल नाम हो, एक एक चीज़ उनके फोटो के साथ, उनके वीडियो के साथ। वीडियो के साथ मीन्स हमने यहाँ पे QR कोड डाला है, उस QR कोड को स्कैन करते ही उस पेशेंट के वीडियो प्रोफाइल में आप पहुँच जाएंगे, उनके वीडियो देख पाएंगे। तो हमने पूरे देश के इस तरह के पेशेंट लिए, दिस मीन्स कि एक तरफ तो पूरे देश में किताबें जा रही हैं और दूसरी तरफ इसमें पूरे देश के अलग अलग शहरों के पेशेंट्स हैं। दिस मीन्स देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई पेशेंट आपके घर के या आपके शहर में या आपके आसपास भी होगा इस बुक में से। उससे आपको हिम्मत मिल जाएगी दैट क्रॉनिक किडनी डिजीज चाहे किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, एंड स्टेज में क्यों ना हो, दैट कैन बी रिवर्स। कैसे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब देखिए, ये एक छोटा सा टूल है मेरे पास, ये लकड़ी का बना हुआ है और एक छोटा सा गेम है, आप लोग समझो ज़रा। और इसको मैंने ये डाला। अब मान लीजिए ये आपकी बॉडी है और ये किडनी है, और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं उनकी किडनी सुकड़ती जाती है, छोटे छोटा होता जाता है, उनका काम फिर कम होने लगता है। और मान लो एक टाइम पे उनका किडनी बड़ा था, फिर धीरे 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 सुकड़ती जाती है, वो अपने आप में अंदर ही धंसती जाती है, जैसे ये धंस गया, राइट। अब ये धंस गया अंदर और ये आपकी बॉडी है। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ये बॉडी है, बॉडी को आप हिलाना नहीं है और किडनी को बाहर निकालना है, वो जो सुकड़ है उसको बाहर निकालना है। बिना इसको हिलाए ये किडनी है मान लो लाल वाला जो कि धस चुकी है, सुकड़ चुकी है, जिसे श्रिंकिंग ऑफ किडनी बोलते हैं मेडिकल भाषा में, इसको बाहर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप ट्राई करो निकालने में, बस थोड़ा इधर आओ ताकि कैमरा में देख पाएं कि आप कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आप उसको पकड़ बनाने के लिए आपने उसको पकड़ के निकालने की कोशिश की, आप देखिए कितनी भी कोशिश कर रही है निकल नहीं पा रहा है। तो लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा तो कोई बात नहीं, मान लो आपको कोशिश करना और साथ में कुछ हथियार भी हैं, अब कैसे आप इसको निकालने की कोशिश करोगे। बस ये कि हिलाना नहीं है और बाकी हथियार आप यूज़ कर सकते हैं। आप गौर से देखिए, ये
एक तरफ तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल तो पा नहीं रहे, लेकिन वो डैमेज भी हो रहा है, वो खुरोस खुरोस के वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप निकालने की कोशिश करो, तो आप कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? जस्ट राइट, तो आपने और ब्लेड ही ले लिया और ब्लेड लेके निकालने की कोशिश में लगे हैं और इसमें निकाल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है किडनी को डैमेज जरूर कर रहे हैं। चलिए आप ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे? आप आइए, इसको अगर निकालना हो तो अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग औजार्स हैं जिनसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर निकल भी जाएगा राइट, लेकिन क्या है कि निकलने के प्रोसेस में आप उसको डैमेज कर रहे हैं, फर्दर डैमेज कर रहे हैं। तो लगता है कि हथौड़े से कर लें, कील डाल के कर लें, चाकू से कर लें, प्लायर से निकालें, कैसे भी करके निकालें, लेकिन इन द प्रोसेस द किडनी गेट्स फर्दर डैमेज। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज चलता रहता है और हर दिन वो पहले से ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, दे गेट फर्दर डैमेज्ड। अच्छा, अगर मुझे निकालना तो मैं क्या करूँगा? वही मेथड यूज़ करूँगा जो मेथड हमने इस बुक में डाला है, दैट इज़ ग्रेविटी एज मेडिसिन, हॉट वाटर इमर्शन। ग्रेविटी को यूज़ करना है उसके बॉडी को, उसकी किडनी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, किडनी को दोबारा से बड़ा करने के लिए। और बड़ा होता है कि नहीं? डेफिनेटली बड़ा होता है, उसके एविडेंस हमने इसमें दिए हैं। ये पहले के डीटीपीए स्कैन और बाद के डीटीपीए स्कैन के पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे अलग अलग पेशेंट्स के, और इन पिक्चर्स से पहले उनका किडनी का साइज़ क्या था, बाद का किडनी का साइज़ क्या था, वो सारा कुछ इसमें दिखता है और पिक्चर झूठ नहीं बोलती है। अब मान लो ग्रेविटी एज मेडिसिन, हॉट वाटर इमर्शन जो हमने वहाँ यूज़ किया पेशेंट्स पे, अगर मुझे ये निकालना हो बिना डैमेज किए किडनी को जो अंदर धस चुका, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं यहाँ पे भी ग्रेविटी का यूज़ करूँगा। ग्रेविटी का यूज़ करने के लिए ये पानी है और पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ, और देखिए जैसे पानी डाल रहा हूँ, डालते ही ये बाहर आ गया, ये पूरी तरह से बाहर निकल गया। तो ये सिंपली कैसे हुआ? मैंने बिना इसको डैमेज किए इसको बाहर निकालने के लिए मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ किया, यानी कि ये जो इसको जो किडनी मान रही है हल्का है और पानी जो है वो भारी है, तो पानी नीचे रह गया और किडनी ऊपर आ गई। जो प्रिंसिपल आपने यहाँ पे देखा, जो प्रिंसिपल मैंने इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया, द सेम प्रिंसिपल वी आर यूजिंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो एक सिंपल दिखने वाली चीज़ भी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, उसका एक सबूत मैंने आपको दिया। लेकिन आपको डिटेल में अगर जानना है तो दिस बुक और जो स्क्रीन पे दिए हुआ जो लिंक है अभी आप देख रहे हैं, इसे ईबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो खुशकिस्मत 1000 लोग हैं उनको तो ये फ्री बुक जा ही रही है, काफ़ी लोगों को पहुंच भी गई होगी। जिन लोगों को पहुंच गई है वो कमेंट में लिखें कि उनको पहुंच गई है, और हो सके तो हमें एक फ़ोटो बुक के साथ खींच के दें तो हमें खुशी होगी कि आप तक बुक पहुँच गई है। सो हम उम्मीद करेंगे आगे भी आप को कॉन्टैक्ट करें, कनेक्ट करके इस तरह के टेक्निक्स जो कि इंसान के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है आप तक पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।